मैं कहता हूं कि अभी जो पूर्वक्ताओं ने कहा आरक्षण के लिए 27% कम है, मुझे 90% आरक्षण चाहिए। 90% आरक्षण जो सरकार देगी उसको वोट देने का संकल्प होना चाहिए। अभी जब यहां पर दीप प्रज्वलित करने का काम चल रहा था, उसी समय भाई बद्री प्रसाद कुशवाहा जी ने भी इस बात पर वो किया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा। आज आप यहां पुण्यतिथि मना रहे हैं किसकी? महात्मा ज्योतिबा राव फूले की। आप विद्यालयों में सरस्वती की पूजा करते हो, जरा बताइए क्या पूजा करते हो? सरस्वती वो कौन है? अरे आप जिंदा सरस्वती की पूजा नहीं कर रहे हो जो हमारे बीच में पैदा हुई है, सावित्री बाई फूले। मैं अपने विद्यालय में सरस्वती की पूजा नहीं कराता हूं, सावित्री बाई फूले की पूजा कराता हूं। मैं कोई भी चीज का प्रैक्टिकल करता हूं तभी किसी मंच पर बोलने की औकात रखता हूं। हमारे यहां स्कूल में बच्चे कम एडमिशन लेते हैं इसलिए कि मैं सरस्वती की पूजा नहीं करता, वही लेते हैं जो दलित शोषित पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, उन्हीं के बच्चे अपने यहां स्कूल में एडमिशन लेते हैं। मैंने एक नर्सिंग स्कूल का भी संचालन किया और उसका नामकरण मैंने किया लॉर्ड बुद्धा नर्सिंग स्कूल, बुद्ध के नाम पर खोला। अभी मेरी प्लानिंग है, अभी जैसे पोर्टल खुलेगा मुझे सावित्री बाई कन्या महाविद्यालय के नाम से महाविद्यालय खोलने का प्लान है। ये मैं बता रहा हूं, मुझे कोई शासन और प्रशासन से न तो सहयोग की जरूरत है और न कोई सिफारिश की जरूरत है। ये धार्मिक गुलामी से जब तक आप अलग नहीं होंगे तब तक कोई भी विकास आपका संभव नहीं है। कागज में नोट करके रख लीजिए, आपके अवनत का, आपके पिछड़ने का केवल एकमात्र कारण है, वो है धार्मिक गुलामी। ढोल गमार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका अर्थ क्या हुआ? ढोलक को बजाने से बजता है, ये बात समझ में आती है? गंवार की कोई जात नहीं होती, कोई भी उठपटांग काम करे उसको दो चार लप्पड़ मारो, पुलिस के हवाले कर दो, उसको ठीक कर दो, ये भी बात समझ में आती है? ढोल गंवार सूत्र, सूत्र एक वर्ण है जिसमें आप भी जाते हो, उस पूरे वर्ण को, उस पूरे सूत्र को जितना प्रताड़ित करो, जितना लतियाओ, जितना जुतियाओ उतना ठीक रहेगा, ये तुलसीदास ने, और उसी को तुम गले लगा रहे हो, उसी को गले लगा रहे हो, रामचरितमानस का पाठ करवाते हो। कोई नया घर निर्माण करोगे तो घर के अंदर तभी प्रवेश करोगे जब रामचरितमानस का पाठ कराओगे, ये कौन बताएगा? जरा पढ़े लिखे हो इस चौपाई का अर्थ पूरा समझ लो, और यदि आज तक नहीं समझे हो तो इसमें उसका क्या गलती है, उसका क्या दोष है? जब हमारे हाथ में ये कितनी उंगलियां हैं? पांच हैं, पांच उंगलियां हैं। यदि हम किसी दूसरे को इंगित कर रहे हैं, दूसरे को टोक रहे हैं, दूसरे से कोई उम्मीद कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो अपने हाथ की ही पांच उंगलियों में ये अंगूठा सहित चार ऐसे मुड़ जाते हैं कि नहीं चलो हम तुमको देख लेंगे, ये चार इधर लौट करके कहती हैं,
तुम दूसरे को क्या देखने की बात कर रहे हो, तुम पहले अपने गिरेवान में झांको। जब कोई राजनीति की बात आएगी तो ये सामाजिक संगठन में ये होगा कि राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, और जब कोई चुनाव का समय आएगा तो फिर क्या करोगे, उसको जिता दो, उसको हरा दो, जिताने और हराने का ठेका लेते हो। मैं कहता हूं कि इस देश में जो अभी कलेक्टर साहब ने बोला कि कुछ विदेशी लोग यहां आए हैं जो अंग्रेजों की औलादे हैं, उन विदेशियों को वोट देने का संकल्प ले लो कि नहीं देंगे। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक कोई भी परिवर्तन की उम्मीद नहीं करो। मैं कहता हूं कि अभी जो पूर्व वक्ताओं ने कहा आरक्षण के लिए 27% कम है, मुझे 90% आरक्षण चाहिए। 90% आरक्षण जो सरकार देगी उसको वोट देने का संकल्प होना चाहिए। ये तो 60 वर्ष तक इन्हीं पार्टियों की सरकार थी, आज 60 वर्ष बाद 10 साल उनके घटा दीजिए तो 70 साल बाद हमको 13% से 27% आरक्षण देने की बात हो रही है, और उसमें भी बैकग्राउंड ये है कि दूसरे आदमी से पटीशन लगवाई जा रही है। तुम जाओ पटीशन लगा करके इसको रुकवाओ किसी तरीके से। जो दांत है जिसके, दांत वाले को चना नहीं दिया जाएगा, जिसके दांत नहीं है उसको चना दिया भी नहीं जाएगा, चना दिखाया जाएगा। ये नीति है, शासन की पॉलिसी है, ये क्रिमी लेयर लगा करके अब हम लोग जैसे आदमियों के बच्चों को आरक्षण की सुविधा नहीं मिल सकती, क्योंकि इनकम टैक्स पे ही। अभी जो बात आ रही थी कि 10% जो आरक्षण दिया गया है उसमें कोई आर्थिक क्रिमी लेयर की बात नहीं है, उसमें गरीब शैतान को आरक्षण मिलना चाहिए। केवल ओबीसी के लिए क्रिमी लेयर की बात लगा दी गई है, जो आईआईटी में यदि उसका एडमिशन हुआ है जहां 10 लाख रुपए फीस लगती है, वहां एक गरीब ओबीसी का लड़का क्या पढ़ा सकता है, नहीं पढ़ा सकता। और इसके पीछे ये भी लॉजिक बनाई गई है कि एक क्रिमी लेयर बना दो और एक अति पिछड़ा बना दो ताकि ये कभी एक अस्था ना हो जाए। नहीं, क्रिमी लेयर वाला आदमी उस पिछड़े हुए व्यक्ति को साथ दे देगा तो वो भी आगे उठ करके आगे बढ़ जाएगा। आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।